जासूस। जिसे तलाश है एक लाश की। लेकिन कौन है ये जासूस? ये है डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी इन एक्शन। पहचाना आपने कि कौन है डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के पीछे का चेहरा? Well, it's none other than सुशांत सिंह। जी हाँ, ये है सुशांत सिंह और यहाँ चल रही है उनकी अपकमिंग फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की शूटिंग। And we must say Sushant has gotten deep into the roots of this character. इस फिल्म के डायरेक्टर हैं दिबाकर बैनर्जी। आज का सीन है कि ब्योमकेश बख्शी को एक लाश मिलती है। ये कुछ इस तरह से मिलती है कि ब्योमकेश सबको कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं। तो आज दुनिया को एक सबूत मिलता है कि ब्योमकेश जो कह रहा है वो सही है, कि कुछ गड़बड़ है, तो एक लाश मिलती है। ये फिल्म बन रही है एक जासूस पर, तो हमने भी सोचा कि इस फिल्म के बारे में थोड़ी जासूसी कर ली जाए। पहले हमने पता लगाने की कोशिश की कि एक पुराने टीवी सीरियल पर बेस्ड ये फिल्म इस सीरियल से कितनी अलग है। द टीवी सीरीज इज अ टीवी सीरीज, द फिल्म इज अ फिल्म, द टू आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट medium of cinematic medium, so therefore you can't really compare. फिर पता लगाया कि दिबाकर की ये फिल्म कितनी expensive है। हाँ, मेरी सबसे ज्यादा expensive फिल्म है। आमतौर पे बॉलीवुड पे इस तरह की बड़ी फिल्मों पे, जिन पे बहुत सारा स्पेशल इफेक्ट है, एक नई दुनिया बनाई जा रही है, उन फिल्मों में जितना बजट होता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि थोड़ा सा कुछ कम ही है, क्योंकि मैं थोड़ा डिसिप्लिन्ड हूँ, थोड़ा प्लान्ड हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना प्लान्ड तरीके से चल सकूँ उतना अच्छा। फिर हमने दिबाकर से पूछा सुशांत के प्रोफेशनलिज्म को लेकर सवाल। सुशांत की डेडिकेशन तो मिसाल देने के तौर पे है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। वो घर जाके अगर वो पूरी स्क्रिप्ट को या जो हम शूट कर रहे हैं वो अगर पूरा वो 3-4 घंटा बैठ के पूरा देख के अगर नोट्स नहीं बनाते तब तक वो शूट नहीं करते। इनफैक्ट एक दिन हमने उनको एक नया सीन दिया शूट के टाइम पे, उन्होंने कहा आज मैं ये नहीं शूट करूँगा क्योंकि मेरे को घर जाके प्रिपरेशन करना है, मैं प्रिपेयर करके फिर आऊँगा। तो वो इतने प्रिपेयर्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत फोकस्ड हैं और मुझसे ज़्यादा फोकस्ड हैं, और किरदार के बारे में उन्हें मुझसे ज़्यादा पता। और इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि दिबाकर सुशांत को लेकर एक जबरदस्त डिटेक्टिव थ्रिलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कि हम जब भी कुछ डिटेक्टिव बनाना चाहते हैं हम बाहर की नकल कर देते हैं, उसको कभी शर्लक होम्स बना देते हैं, कभी जेम्स बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन ब्योमकेश बख्शी एक ऐसा किरदार है जो लिखा ही गया था निहायत ही भारतीय, और एक ऐसे पीरियड में जब भारत और भी ज्यादा भारतीय था। तो अब देखना ये है कि ऑडियंस को ये फिल्म कितनी पसंद आती है।